हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सरोज कर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोलकाता में सबसे बेस्ट प्री वेडिंग लोकेशन कौन सा है। मैं आज जो लोकेशन आपको बताऊंगा वो धर्मताला से 22 किलोमीटर दूर न्यू टाउन में है। वहां जाने के लिए आप किसी भी टैक्सी को बुक कर सकते हैं। एस्प्लानेड से जब हम टैक्सी पकड़ के न्यू टाउन पहुँचे तो हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया। न्यू टाउन में हम इको पार्क पहुंचे। इको पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है। हम 30 रुपये का एंट्री टिकट लेके गेट नंबर 2 से इको पार्क के लिए एंटर हुए। वाओ, दिस इज एन अमेजिंग पार्क। पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ और बीचों बीच एक तालाब है। इको पार्क दिन के 2:30 बजे खुलता है और 8 बजे बंद होता है। गेट नंबर 2 से हम चलते चलते आगे की तरफ बढ़े। लगभग 500 मीटर चलने के बाद उनका गेट नंबर 4 आया और गेट नंबर 4 में ही आपका 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का स्ट्रक्चर सब है। और 7 वंडर्स को एंट्री करने के लिए आपको फिर से 30 रुपये का एंट्री टिकट लेना पड़ता है। और ये लोकेशन ही आपका बेस्ट प्री वेडिंग लोकेशन है। आपका प्री वेडिंग शूट करने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यहीं पे मौजूद है। बहुत बड़ा जगह लेकर ये सब बनाया गया है। ये जो इको पार्क है वो 480 एकड़ में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि आगरा का ताजमहल जैसा हूबहू यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर है। बहुत ही बारीकियों से ये सब काम किया गया है। 2:30 बजे के बाद कॉमन विजिटर्स के लिए ये पार्क खुलता है और देखते ही देखते कितना भीड़ हो गया। आप अगर अपना प्री वेडिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। इको पार्क के वेबसाइट में उनका नंबर है, आप उनको कॉल करके पहले से बुक कर लीजिए। सुबह के 9 बजे से 2 बजे तक आप आराम से शूट यहाँ पे कर सकते हैं और उसी टाइम के अंदर कोई भी विजिटर्स यहाँ पे नहीं होते हैं। आप आराम से अपना शूट कंप्लीट कर सकते हैं। इजिप्ट का पिरामिड यहाँ पे अवेलेबल है। अगर पिरामिड के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर ममीज को भी देख पाएंगे। अगर आपका प्री वेडिंग को यूनिक बनाना चाहते हैं तो आपको यहां आना पड़ेगा। यहां पे आप देखेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हूबहू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा सेट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। प्री वेडिंग के लिए इटली जाने की जरूरत नहीं है। इटली का कोलोशियम यहां पे अवेलेबल है। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आने वाला क्राइस्ट द रेडीमेड ब्राजील का ये स्टेचू आप देख सकते हैं यहां पे, ये कितना बड़ा बनाया गया है। इको पार्क में आप प्री वेडिंग, मॉडल शूट, एनिवर्सरी, बेबी शावर एटसेट्रा आप शूट कर सकते हैं और उनका चार्जेस है 5,000 रुपीज पर डे एंड दैट्स इंक्लूड GST। ड्रोन के लिए अलग चार्ज आता है
जो कि 5,000 रुपये पर डे का है। शूट करते करते अगर आप थक जाएंगे तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। ओवरऑल आई कैन से इको पार्क का 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज ए बेस्ट प्लेस टू शूट। इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। सिर्फ 5,000 रुपये में अगर आपको इतना अच्छा अच्छा यहाँ पे शूटिंग लोकेशन मिल रहा है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इको पार्क में 7 वंडर्स को छोड़ के और भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पार्क्स है। छोटे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे एम्यूजमेंट है और बहुत सारे फाउंटेन्स भी है। शूट करते समय अगर फोटोग्राफर सही एंगल से शूट करे देन यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। ओरिजिनल स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर में कोई भी अंतर आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप प्री वेडिंग के लिए सोच रहे हैं और आपके प्री वेडिंग में आप 7 वंडर्स को रखना चाहते हैं तो इको पार्क गेट नंबर 4 इज द बेस्ट चॉइस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।